इंडिया को लॉन बॉल में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी अब अपनी मां के जेवर पाने के लिए पसीना बहा रही हैं। रांची के मनीषा ने अपने भाई के इलाज के लिए मां के जेवर गिरवी रखकर ICICI बैंक से लोन लिया था, लेकिन बैंक ने मनीषा को बिना इन्फॉर्म किए ही गोल्ड का ऑक्शन कर दिया। इस बीच मनीषा की मां का भी देहांत हो गया। ऐसे में मनीषा के पास अपनी मां की निशानी के तौर पर जेवर ही बचे थे, जिसे बैंक ने नीलाम कर दिया। अब मनीषा ने अपनी मां के जेवर के लिए वित्त मंत्री और रांची के DC से गुहार लगाई है। वहीं बैंक का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो बैंक का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये काफी सीरियस थे मेरे भाई, और उस समय हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया। ICICI बैंक मुझे सही लगा और उसमें मैंने मम्मी का जितना गोल्ड था उसको रख करके और पैसा ली, जैसे जैसे जरूरत पड़ते चला गया, और वो लोगों ने मेरी माँ का गोल्ड हड़प लिया। दो दशक पहले जहां किताबें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ा करती थी, वहीं इसकी जगह अब इंटरनेट और मोबाइल ने ले ली है। मोबाइल ऐप के जरिए अब लोग आराम से किताबें डाउनलोड भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और इसके कारण किताब दुकानदारों पर मानो आफत आ गई है। ये हैं इंद्र कुमार, 1954 से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बुक स्टॉल चला रहे हैं। एक जमाना था जब यहाँ साहित्य प्रेमियों की कतार लगा करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में हालात बदल गए हैं। डाउन है, क्या कारण लग रहा है भाई? इंटरनेट वगैरह आ गया, इंटरनेट है, मोबाइल ये सब आ गया, सब कुछ उसमें आ जाता है। आजकल तो आपका फ्लिपकार्ट भी बुक होने लग गया है, ऑनलाइन वगैरह सब चलते, यही सब है, मोस्टली सब ऑनलाइन से ही चलते। नई तकनीक और इंटरनेट युग ने लोगों के पढ़ने का अंदाज भी बदल डाला है। दो दशक पहले जहां साहित्य, कला और समसामयिक घटनाओं के लिए लोग जमकर किताबें खरीदा करते थे, वहीं आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सहारा ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है इंटरनेट ये सब में आ रही है, जिसके कारण वो सब में मिल जाता है। बात रही कि अब धीरे धीरे लोग किताबों को पढ़ने की अपेक्षा इंटरनेट में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, इसके कारण थोड़ी सी इसकी चलन घटी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अभी भी पाठक वर्ग है इसे। नए दौर में किताबें भी इंटरनेट पर पढ़ी जा रही हैं, जिसका खामियाजा पुस्तक विक्रेता उठा रहे हैं। इसकी बानगी है रांची में मुश्किल से नजर आने वाली चंद किताब दुकानें। सन्नी शरद, जी मीडिया, रांची।